कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग, दोषियों को फांसी पर लटकाने की करी मांग। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला अध्यक्ष कमल नयन इंगले के नेतृत्व में शुक्रवार शाम 7 बजे शहर के बस स्टैंड से भाजपा कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला। वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा देने व दोषियों को तुरंत फांसी की सजा देने की मांग की गई। जिला मीडिया प्रभारी सुनील बहुसा ने बताया कि महिला कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च में डॉक्टर महिला के साथ हुई घटना तथा पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए तथा भाजपा कार्यालय पर मृतक जूनियर डॉक्टर को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन एक रात में उनका इतना बड़ा हादसा हुआ उनके साथ, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी उनको हम बोलना चाहेंगे कि आप ये इतनी कांड हो रहे हैं वहाँ पे तो उनको रोकती क्यों नहीं? अगर आप महिलाओं का ही संरक्षण नहीं कर पा रहे तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। बड़वानी जिले में मेरी मंडल की और या बड़वानी जिले की सभी महिलाओं के जिला अध्यक्ष कमल निंदे जी के साथ में हमने कैंडल यात्रा निकाली और इस चीज़ का विरोध किया। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।